जदिया थाना क्षेत्र के फासिया कोठी नहर के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान मधेपुरा जिले के चैनपुर निवासी मोहम्मद सद्दाम के रूप में हुई है। मौके पर पहुंचे परिजन ने शव की पहचान की है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सर कुचलकर बेरहमी से व्यक्ति की हत्या की गई है। घटना की सूचना पर त्रिवेणीगंज SDPO विपिन कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। कब जानकारी मिली? ये मॉर्निंग में करीब 9 बजे मुझे जानकारी मिली। एक वीडियो आया ग्रुप में और किसी ने भेजा एक पर्सनल नंबर से कि यहाँ पर जो है एक घटना हुआ है। जब मैंने पहचान किया तो देखा वही जूता, वही कपड़े और वही शर्ट पहने हुए हैं। और हाँ, मृतक आपका कौन लगेगा? ये मेरे सगे भाई है, मुझसे बड़े हैं, नाम है मोहम्मद सद्दाम। ये कहाँ गया था, कुछ पता है? ये मुझे जानकारी नहीं है। कल करीब समथिंग दिन के 4 बजे देखा गया था इनको मुगलागढ़ मदरसा चौंक पे। फिर उसके बाद जो है इनसे रूबरू नहीं हुए, रात को ये घर पे नहीं आए। तो वैसे भी ये घर से एक दिन दो दिन बाहर रहते थे। जानकारी ये भी है कि ये जो है ये 2 दिन घर से बाहर भी रहते थे, किसी काम के सिलसिले में कहीं निकल जाते थे। तो रात को नहीं आए, तो मुझे भी जानकारी ऐसा वक्त ही होगा, काम में होगा। आपको क्या लग रहा है ये घटना? ये जांच का क्रम है, जांच का जो है ये विषय है। किसी अब अनुसंधान का पुलिस करेगी। कौन सा जगह है ये? ये फसिया कोठी नहर है। और ये इसका घर कहाँ पड़ता था? घर इनका पड़ता है वार्ड नंबर 1 चैनपुर, थाना श्रीनगर, जिला मधेपुरा पड़ता है। घटना हुई यहाँ पर? हाँ, फसिया कोठी नहर पे एक व्यक्ति को सर कुचल के मार दिया गया है। सबका पहचान मोहम्मद सद्दाम चैनपुर निवासी के रूप में किया गया है, वो मधेपुरा जिला के रहने वाले हैं। सर क्या मामला लग रहा है? अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, सभी बिंदु पर अनुसंधान करने के बाद ही कुछ हम बता पाएंगे।